सपोज करो कि आपने कोई ट्रेड किया हुआ है बट आप उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ ही नहीं कर पा रहे हो। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा रिसेंटली मेरे साथ फिनवेसा के मोबाइल एप्लीकेशन सुनने में हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, बल्कि कुछ समय पहले लोगों के डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रेड दिखा रहा था जिसमें कुछ लोगों को प्रॉफिट और कुछ लोगों को लॉस शो कर रहा था। स्क्रीनशॉट रेफरेंस के लिए मैं वीडियो में लगा दूंगा और ट्विटर या फिर यूट्यूब में भी जाके आप लोग इसको चेक कर सकते हो। और अब से लगभग 1 महीने पहले मैंने कोटक सिक्योरिटीज के जीरो ब्रोकरेज प्लान को रिव्यू किया था और उसके बाद आप लोगों ने फिनवेसा के शून्य एप्लीकेशन के ऊपर भी वीडियो बनाने को बोला। सो मैंने फिनवेसा का मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट इन दोनों को लगभग 1 महीने से भी ज्यादा यूज किया है और इसके ट्रेडिंग का रिव्यू मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ। और हाँ, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो या फिर कोई हेट वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस फिनवेसा के मोबाइल एप्लीकेशन और इनके वेबसाइट के ऊपर में होने वाला है। तो चलिए वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। फिनवेसा का जो ऐप है जो मोबाइल के अंदर में आता है उसका नाम है शून्य एप्लीकेशन। शून्य एप्लीकेशन या फिर फिनवेसा की बात करें तो इसमें जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, इन सारे सेगमेंट में अगर आप लोग यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर में ट्रेड करते हो तो आपके ट्रेड के ऊपर में कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते। और इसी वजह से बहुत सारे लोग फिनवेसा के साथ में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम मिल जाती है या फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के साथ में जाते हो। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि सपोज करो कि आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है और आप उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो या फिर एग्जिट लेना चाहते हो बट आप उस ट्रेड से एग्जिट नहीं ले पा रहे हो आपके ब्रोकर की वजह से, तो सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि इस एप्लीकेशन के ऊपर में जब आप लोग ट्रेड करोगे तो काफी बार आपको हैंगिंग प्रॉब्लम मिल जाएगी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन अगर हैंग होता है तो ये 1 घंटा, 2 घंटा या फिर 3 घंटा के लिए हैंग हो जाता है। जब आप लोग यहाँ पर ट्रेड करोगे, सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है 5,000 का, अब वो जो 5,000 है मान लेते हैं कि वो 6,000 बन चुके हैं, मतलब टोटल आपको 1,000 का प्रॉफिट हो चुका है। अब आप उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ या फिर एग्जिट करना चाहते हो पर जब आप अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन जो है हैंग हो चुका है। और ये जो हैंग होता है या फिर ये जो लैग होता है ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, या आपको 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता होगा कि शेयर मार्केट के अंदर में सेकंड सेकंड की वैल्यू होती है, एक एक सेकंड में लोगों को प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा लेकिन आप अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए और अगर वो लॉस हो जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं आपके ब्रोकर की गलती होती है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आपको शून्य एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाता है। अब अगर आप लोग शेयर मार्केट के अंदर में नए होंगे और आपने स्टार्ट ही फिनवेसा के मोबाइल एप्लीकेशन के साथ में किया है तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लगे ही ना। इसके साथ ही जब आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोग काफी बार चार्ट वगैरह को ओपन करते हो, तो शून्य एप्लीकेशन के ऊपर में जब आप लोग चार्ट वगैरह को ओपन करोगे, उसको आगे पीछे मूव करोगे या फिर टाइम फ्रेम या फिर इंडिकेटर वगैरह चेंज करोगे तो वहां पर भी आपको ग्लिचेस वगैरह मिल जाते हैं। अब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस एप्लीकेशन के ऊपर में ट्रेड कर ही नहीं सकते, आप लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हो बट जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के ऊपर में वो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रख दिया है। तो वीडियो के अंदर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इनके वेबसाइट के बारे में। तो इनका जो वेबसाइट है वो मेरे को एप्लीकेशन के कंपैरिजन में अच्छा लगा। जितने भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के वेबसाइट होते हैं वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, तो इनका भी जो वेबसाइट है वो आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है। इनके वेबसाइट के ऊपर भी मैंने ट्रेड किया हुआ है, यहाँ पर जो चार्ट वगैरह है वो बिल्कुल ईजिली ओपन हो जाता है। अलग अलग टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को ओपन करके देखा, इंडिकेटर्स वगैरह लगा के देखे, चार्ट को आगे पीछे करके देखा, तो वेबसाइट के ऊपर में चार्ट वगैरह मेरे को अच्छा लगा। वेबसाइट के ऊपर में जो प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी आपको सेम मोबाइल एप्लीकेशन जैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जब मैंने इनके वेबसाइट के ऊपर में ट्रेड किया तो मोबाइल के कंपैरिजन में ट्रेड वगैरह इजीली यहाँ पर हो जा रहा था। यहाँ पर मेरे को एक दो बार ट्रेड एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आया। हुआ ये था कि जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था उसको मैं स्क्वायर ऑफ करना चाहता था बट यहाँ पर वो स्क्वायर ऑफ ही नहीं हो रहा था। इनके कस्टमर सर्विस को भी मैंने कॉल किया था इसके रिलेटेड, कस्टमर सर्विस वाले बोलते हैं कि आपको आगे से शिकायत नहीं मिलेगी, बट उसके बाद भी जब मैंने ट्रेड किया तो मेरे को सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। लेकिन फिर भी एप्लीकेशन के कंपैरिजन में वेबसाइट मेरे को अच्छा लगा।